Hello students, good morning. Today we are going to learn our new chapter, chapter 10. The name of chapter 10 is The Scholar's Mother Tongue. Let's start with D words. First one is T-O-N-G-U-E, tongue. T-O-N-G-U-E, tongue. Tongue means juban. Next one. C-O-U-R-T-I-E-R, courtier. C-O-U-R-T-I-E-R, courtier. Courtier means darbari. M-A-S-T-E-R-Y, mastery. M-A-S-T-E-R-Y, mastery. Mastery yani Prabhutva. Next one is F-L-U-E-N-T-L-Y, fluently. F-L-U-E-N-T-L-Y, fluently. Fluently yani teji ke saath. Next one, C-H-A-L-L-E-N-G-E, challenge. C-H-A-L-L-E-N-G-E, challenge. Challenge yani chunoti. Next one, W-H-I-S-P-E-R, whisper. W-H-I-S-P-E-R, whisper. Whisper yani fusfusana. Next one, T-I-C-K-L, tickle. T-I-C-K-L, tickle. Tickle yani gudgudi karna. Next, A-W-A-K-E, awake. A-W-A-K-E, awake. Awake yani jagna. Next, T-R-U-T-H, truth. T-R-U-T-H, truth. Truth yani satya. Let's start again. T-O-N-G-U-E, tongue. T-O-U-R-T-I-E-R, courtier. M-A-S-T-E-R-Y, mastery. F-L-U-E-N-T-L-Y, fluently. C-H-A-L-L-E-N-G-E, challenge. W-H-I-S-P-E-R, whisper. T-I-C-K-L, tickle. A-W-A-K-E, awake. T-R-U-T-H, truth. After D word, let's start with textual portion. Our story name is The Scholar's Mother Tongue. Let's start the story. A learned pandit once visited the court of Akbar. Ek sikha hua pandit Akbar ki court mein jata hai. He told the king and his courtiers. Wo jo pandit tha, wo king aur courtier, yani raja aur darbari se kehta hai that he had mastery over many different languages. Wo jo pandit tha, wo raja ko kehta hai ki mujhe bahut sare different languages aati hai. Mujhe sabhi language ke upar mastery hai, yani mujhe sabhi language aati hai. The pandit could speak many languages fluently. वो जो पंडित था वो बहुत सारी languages यानी बहुत सारी भाषाएं बहुत तेजी के साथ वो बोलता था. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना तेजी से सभी भाषाएं बोल रहा था कि कोई भी उसकी जो mother tongue यानी उसकी जो proper अपनी भाषा थी वो कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था.
He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उसने सभी को चैलेंज यानी चुनौती, उसने सभी को चुनौती दी कि उसकी जो प्रॉपर भाषा है, जो अपनी मदर टंग है, वो मुझे फाइंड करके दो. ऐसी चुनौती सभी दरबारियों और राजा को दी. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. सभी लोग फेल हो गए थे, वो सभी दरबारी थे, वो की प्रॉपर भाषा कौन सी थी वो नहीं समझ पा रहे थे. उसी वक्त बिरबल ने ये चुनौती स्वीकार कर ली. ऑन वन नाइट, एक रात को बिरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम. एक रात को बिरबल क्वाइटली यानी चुपचाप वो जो पंडित था उसके रूम में गया. व्हेन ही वॉज अस्लिप, वो जब ही सो रहा था तभी बिरबल उसके कमरे में गया. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. वो जो बिरबल था उसने क्या किया पता है? उसने उस पंडित के कान में ऐसे विस्पर यानी फुसफुसाते हुए उसको ऐसे गुदगुदी की और वो जो उसके ईयर थे उसके ऊपर फेदर ऐसे घुमाया. द पंडित हाफ अवेक, वो जो पंडित था वो जागा हुआ था लेकिन पूरा नहीं जागा था, हाफ ही जागा था. क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. वो जो पंडित था जो थोड़ा जागा था और थोड़ा सोया हुआ था उसने क्या पता है? उसने सडनली चिल्ला के उसके मदर टंग, उसकी जो प्रॉपर भाषा थी वो भाषा में उसने चिल्ला के कुछ बोल दिया. बिरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. बिरबल नेक्स्ट डे अगले ही दिन कोर्ट में गया एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु. उसने कोर्ट में जाकर दरबार में जाकर सभी से कह दिया कि ये पंडित है उसकी मदर टंग तेलुगु है. द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. वो जो पंडित था वो तो सरप्राइज हो गया, उसको अचानक से ऐसा लगा कि अरे इसको कैसे पता चल गया कि मेरी मदर टंग तेलुगु है. और उसने वो सच को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मेरी मदर टंग तेलुगु ही है. किंग अकबर देन आस्क्ड बिरबल. राजा अकबर ने बिरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुमने ये सच्चाई कैसे जान ली? बिरबल आंसर्ड, बिरबल ने जवाब दिया, इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, जब भी कोई मुश्किली का टाइम आता है, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. जब भी मुश्किली का समय आता है तभी कोई भी लोग अपनी मदर टंग में ही बोलना शुरू कर देते हैं. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गोन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. बिरबल ने अकबर से कहा, वो सारी बातें कही जो पंडित के रूम में हुई थी और उसने कैसे सच उगलवाया पंडित से, वो सारी बातें किंग को बता दी. नाउ अवर स्टोरी इज कंप्लीट हियर. लेट्स रीड इट अगेन. अ लर्न पंडित वंस विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर. ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. अ पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट No one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. On one night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue.
Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In the time of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the Pandit's room at the night to find out the truth. Next is activity 2. Match the words in column A with their synonyms in column B. तो स्टूडेंट्स पता चला आपको इसमें क्या करना है. इसमें आपको सिनोनिम्स मैच करने हैं. यहाँ पे कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके सिनोनिम्स यानी समान अर्थ वाले शब्द वो कॉलम बी में दिए हुए हैं. आपको ए कॉलम के साथ कॉलम बी मैच करना है. लेट्स सी इट. फर्स्ट वन इज लर्नड. सिनोनिम इज नॉलेजेबल. सेकेंड वन मास्टरी. मास्टरी का सिनोनिम्स है कमांड. क्वाइटली साइलेंटली शाउटेड क्राइड सरप्राइज्ड अमेज आंसर्ड रिप्लाइड. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स और नॉट मेंशन्ड. सी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये जो दिए गए सेंटेंस ट्रू है फॉल्स है और स्टोरी में दिए हुए ही नहीं है वो आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है. फर्स्ट वन है अ स्कॉलर केम टू अकबर्स कोर्ट. दिस सेंटेंस इज ट्रू. द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज. सो द आंसर इज फॉल्स. द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय अकबर. द आंसर इज फॉल्स. बिरबल meet the Pandit in the evening. So the answer is not mentioned. क्योंकि ये तो mention किया ही नहीं है कि वो evening में मिला था कि morning में मिला था. Next, Birbal tickled the Pandit with a peacock feather. This one is also not mentioned because कौन सा feather था वो बताया नहीं है. Last, the Pandit's mother tongue was Telugu. The answer is true.